लखनऊ के होटल ताज विवांता में समाचार प्लस प्राइड अवार्ड समारोह 2014 का आयोजन किया गया। इस अवार्ड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूद रहे। इस मौके पर समाचार प्लस के एडिटर चीफ उमेश कुमार, मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री, एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रवीण सहानी, बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय और महिमा चौधरी के अलावा पत्रकारिता और अन्य क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां मौजूद रही। समाचार प्लस की ओर से आयोजित इस अवार्ड समारोह के आयोजन का मकसद यूपी और उत्तराखंड की प्रतिभाओं का सम्मान करना था। अवार्ड समारोह में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने और उत्तराखंड की कई प्रतिभाओं का सम्मान किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक वो समाचार प्लस नहीं देख लेते उनका दिन पूरा नहीं होता। समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार ने कहा कि समाचार प्लस आगे भी ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करता रहेगा। समान समारोह में शंकर सहानी और शिवानी कश्यप ने स्टेज परफॉर्मेंस कर समारोह को और खूबसूरत बना दिया। मंत्री जी श्री विवेक ओबरॉय जी को सम्मानित करें, एक बार जोरदार तालियों से सम्मानित करें। महिमा जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए। मैं इस मौके पर सबसे पहले समाचार प्लस न्यूज चैनल के सीईओ उमेश जी को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और उनका आभार भी प्रकट करता हूं कि जहां उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे लोग जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से, तमाम रुकावटों के बावजूद भी उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में अपने क्षेत्र में एक जगह बनाई, ऐसे लोगों को आप जो सम्मान दे रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है। ये एक आपने नेक काम किया, अच्छा काम किया है और इससे कहीं ना कहीं समाज में न्यूज चैनल की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी बढ़ेगी, वहीं जो लोग आज चिन्हित हुए हैं जिनको सम्मान दिया जा रहा है उनके प्रति भी समाज में सम्मान बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं जहां न्यूज चैनल समाज में जहां ईमानदारी से सच्चाई सामने पेश कर रहा है वहीं उसके प्रति विश्वास और भरोसा भी समाज में और देश में बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश में तो बढ़ेगा ही। तो मैं समझता हूं आपका चैनल जहां ईमानदारी से, सच्चाई से बहुत सारी चीजें जनता के सामने रखा जा रहा है और जो संबंध राजनीति करने वालों का है और न्यूज चैनल के साथियों के साथ है वो संबंध कोई नहीं जान सकता, वो केवल राजनेता जान सकते हैं या पत्रकार साथी। इसलिए हम दोनों की जिम्मेदारी है जनता के बीच में वो बातें जाएं जिससे समाज और प्रदेश और देश आगे बढ़े। समाचार प्लस की जो न्यूज होगी वो कहीं ना कहीं समाज को दिशा देने का काम करेगी। हम भी चैनल देखते हैं बहुत सारे लेकिन आपका चैनल बिना देखे न्यूज पूरी नहीं होती, क्योंकि मुझे याद है एक बार मैंने अग्निहोत्री जी हैं कि नहीं यहां पर, वो कभी YouTube पे निकालना हमारे मंत्री वसीम अहमद साहब और अग्निहोत्री जी का झगड़ा, मुझे लग ही नहीं रहा था ये स्टूडियो है कि चैनल है और मुझे लग रहा था कि चैनल में स्टूडियो में कौन पहले आगे बढ़ेगा, शायद आप भी इंटरव्यू ले रहे थे उसमें। वसीम अहमद साहब हमारे मंत्री थे, अपनी बात रखने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। वो अभी तक का सबसे यादगार इंटरव्यू है मैं समझता हूँ आपके चैनल का। एक बार मैंने वसीम अहमद साहब से कहा मंत्री जी से कि आपका वो यादगार इंटरव्यू मैंने देखा है, तो वो खुद भूल गए थे, बोले तो मुझे लड़ना था उसमें। तो मैंने कहा जो आपने लड़ाई लड़ी है वो कम लड़ाई नहीं है, वो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है आपने। आज मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश के तमाम प्रतिष्ठित लोगों को, आपने सम्मान देने का काम किया है, इससे आपके चैनल की और जो लोग सम्मान पा रहे हैं उन दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो ये उत्तर प्रदेश में आपका चैनल और आगे बढ़े, ईमानदारी और सच्चाई की खबरें और आए, जनता का भरोसा आपके प्रति और बढ़े। मैं उमेश जी को विशेष बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ इनके जितने भी सहयोगी साथी हैं जिनसे मिलने का मौका मिला मैं उनका विशेष आभारी हूं।
देश के वो लोग जो लोग मीडिया की सुर्खियों से या जिनके कार्य जो जिन्होंने एक बिल्कुल अपना अलग ट्रेंड स्थापित किया है, जिन्होंने सरकार से कोई सहयोग नहीं लिया, जिन्हें जनता का सहयोग मिला, उन लोगों को सम्मानित किया जाए, तो उसी के लिए एक सोच थी हमारी और हमने समाचार प्लस प्राइड अवार्ड के नाम से ये अवार्ड का रखा और आज आप सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। सुधांशु भैया का मैं खास तौर पे धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे जीवन के जो सबसे मेरे बुरे दिन थे उनमें शायद उन्होंने मुझे एक बड़े भाई से ज्यादा प्यार दिया, सहयोग दिया। धन्यवाद मैं उनका कभी नहीं दे पाया, तो आज मुझे लगा कि मैं यहाँ उनको धन्यवाद दे दूं। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक चीज और, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे चैनल की बैकबोन हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं, और उनकी जो निष्पक्ष पत्रकारिता है वो बहुत अद्भुत है। मैं उनका, प्रवीण साहनी का, सभी टीम का, सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज समाचार प्लस को यहां पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।